तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो आज है फ्राइडे, तो आज सैटरडे नहीं है, बाइबल क्लास कल है। तो आज जो है हम लोग एक मतलब बहुत ही कम लोग खाते हैं जो सब्जी, ऐसी एक सब्जी खाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखिए, शायद आप लोग भी खाते होंगे, मैं जानता नहीं। वो सब्जी क्या है जो केला होता है ना, केले का फूल, उसकी सब्जी। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनता है। अभी गंगा जो है वो छील रही है जो केले का, उसे बोलते हैं हमारी भाषा में बूंगा, बूंगा, बूंगा। तो केले का जो फूल होता है वो एक गुच्छे की तरह होता है। मैं दिखाता हूँ, वैसे गंगा ने छील दिया है। मैंने गंगा से कहा था छीलना नहीं, मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उसने पहले ही छील दिया है। आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअली पूरा इसका, ये ऐसा वाइट नहीं होता है, ये पूरा ऐसा इसके ऊपर लेयर्स होते हैं, ऐसे लेयर्स परत होते हैं ऐसे, तो कुछ ऐसा परत होता है। उसको छील छील के उसके अंदर से जो ये देखिए ऐसा ऐसे फूल होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये केले के फूल हैं, बहुत छोटे छोटे फूल, और यही बाद में जाके केला बनता है। और इसके अंदर एक और परत है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको अच्छे से। तो ये जो इसका जो ऐसा देखिए, इसका ना अंदर लेयर्स होता है, परत होता है, देखिए ये ऐसे लेयर्स होता है। इसको निकालेंगे। मानसी आटना क्यों डिस्टर्ब कर रही है? तो ये देखिए, ये कुछ देखिए, आई गॉट गुड आइडिया। अरे आई गॉट गुड आइडिया, आई गॉट गुड आइडिया। ऐसे इसका लेयर निकालते हैं। आई ऐसे कैसे? और यहाँ देखिए, जब मैंने ये लेयर निकाला ऐसे करके, तो इसके नीचे देखिए ये फूल है, ये छोटे छोटे केले, ये बाद में जाके केला बनता है। और इसका फूल, इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, और पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे जो जरूरी शरीर में चाहिए होता है वो सब इसमें होता है, मिनरल्स वगैरह। तो इसे कैसे साफ करते हैं? मानसी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये जो ये जो है ना केले का, ये देखिए इसमें कितने केले हैं, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, एक दर्जन से ज़्यादा केला, ये देखिए छोटा केला। तो इसको ऐसे छील के इसका अंदर से, ये देखिए ऐसे इसका अंदर से ऐसा ये निकलता है, और ये जो काला काला दिख रहा है ना ये, और ये झिल्ली टाइप का वाइट, इसको निकालना पड़ता है वरना कड़वा हो जाएगा। ये दो इसको फेंकना है, और इसको सब्जी बना के खाना है। इसके अंदर देखिए कैसा होता है, केले के फूल के अंदर ये बड़ा होके केला बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, हमारे पेट में जाएगा। तो ऐसे करके इसको छील छील के यहाँ ऐसे इसको रख लिया है। अभी इसका सब्जी बनाएंगे, और इसका सब्जी रोटी के साथ इतना अच्छा होता है ना, बाद में आपको खा के भी दिखाएंगे बना के। ओके, तो गंगा छील छील रही है, देखिए यहाँ पर गंगा, जय मसीह। गंगा की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, सर्दी जुखाम ये सब हो रखा है। और वैसे दवाई है मेरे पास सर्दी जुखाम का, लेकिन कोई भी दवाई अभी गंगा को देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रेग्नेंट है और कोई भी ऐसी दवाई नहीं देना चाहिए। तो परसों दिन, कल मेरा बाइबल क्लास है, परसों के दिन जाएंगे डॉक्टर के पास। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, और वो भी आप लोगों को थोड़ा दिखाऊँगा कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ। पेज नंबर 34, 15 reasons the church has failed in missions. मानसी बहुत डिस्टर्ब करती है जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, इधर बहुत डिस्टर्ब करती है, इधर से उधर भागती रहती है। ये देखो अब फिर से, मानसी जय मसीह, दुकान देखो मेरे को क्या बोल रही है, दुकान दुकान ले चलो। अभी अभी मैंने जो आपको बताया 15 reasons the church has failed in missions, ये जो हमारा बाइबल थियोलॉजी का जो बुक है BTCP का, तो उसको रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। और मानसी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, कभी इधर कभी उधर, और रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रही। तो मैं इस तरीके से अपना मोबाइल इधर लगाता हूँ, और वो कंप्यूटर में आता है कुछ इस तरीके से, मैं दिखाता हूँ, वो कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से आता है। तो और ये माइक को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और बुक यहाँ पर सामने रखता हूँ, तो ऐसा दिख दिख के इसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ। और मानसी बहुत डिस्टर्ब करती है, कभी इधर कभी उधर। तो अभी एक बार
थोड़ा दिखाता हूँ आपको कैसे रिकॉर्डिंग होता है। बहुत से ऐसे चर्चे खाली प्रचार में ध्यान देते हैं, खाली प्रचार, लोगों को खाली कन्वर्ट करते हैं, किसी दूसरे धर्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्रिश्चियन बनाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन बनाना काफ़ी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रभु का महान आज्ञा ये है। ओहो, मानसी फिर से आ गई। डिस्टर्ब मानसी, नो मानसी, गो बेबी गो, गो 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 गो। तो यही होता है जब आपके पास कोई सेपरेट कमरा नहीं होता है ना, टोटली अलग कमरा कि आप जिसमें आप प्रभु का काम करो। जब सेपरेट कमरा नहीं होता है तो कुछ ऐसे परेशानियाँ आता है। ये रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ और बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत हल्ला होता है। मानसी जो डॉक्टर, बहुत बार इसलिए मेरा वीडियो बनाने में ना बहुत लेट हो जाता हूँ मैं। ये जो हमने बुंगा लिया है, जो केले का फूल है, इस बुंगे को क्या करेंगे हम, पानी में थोड़ा उबालेंगे, ताकि उबालने से क्या होगा पता है, उबालने से ना ये मतलब कड़वा नहीं होगा। उसके बाद में इंडक्शन में इसको डाल देते हैं। पानी डाल, पहले ही डाल रखा है, ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना गल जाएगा पूरा। इसको अभी ढक 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 के थोड़ा इसे मतलब क्या करेंगे, भाप देंगे। हाँ, केले का फूल जो है वो अभी हो चुका है अच्छे से बॉयल, गंगा ने बॉयल कर दिया, थोड़ा उसको भाप दिया। देखिए तो ये देखिए आफ्टर बॉइलिंग अच्छे से इसको क्या बोलते हैं, ऐसा करना, क्या बोलते हैं, निचारना, निचोड़ के इसका पानी निकालना पड़ेगा, जैसे गंगा निकाल रही है, देख सकते हैं। एस गैंग टीवी का मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट भी हो गया है, थोड़ा दिखाता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। Neglect of discipleship. तो अभी हो चुका है शाम और वो जो बुंगा है वो पकाने का टाइम आ चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये मसाला तैयार किया है। तो ये जो मसाला है इसमें क्या क्या है, नेपाली में बोलते हैं तोरी और हिंदी में बोलते हैं, तो दिला की बंजा, सरसों, प्याज नहीं, सरसों क्या क्या है, सरसों, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब पीस के ये पेस्ट बनाया है, और साथ में टमाटर और प्याज भी है यहाँ पर, एक्स्ट्रा प्याज और टमाटर। तो ये रहा बुंगा, इसको बॉईल कर लिया था दिन को अच्छे से, तो अभी इसको अभी बनाएंगे अच्छे से, और रोटी के साथ बहुत टेस्टी होता है, और गंगा बनाएगी, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती है गंगा। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है, जब तक तेल गरम हो रहा होता है, मतलब जब तक तेल थोड़ा गरम होता है तब तक हम लोग थोड़ा मानसी को देख के आते हैं, मानसी क्या कर रही है। गंगा और मैं इधर किचन में, चलो देखते हैं मानसी क्या कर रही है। मानसी ये देखो, ये क्या देख रही है, क्या क्या खाने वाला देख रही है, मुकबैंग। मानसी क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग मानसी, देखो ये खाने वाला मुकबैंग। तो मानसी इसमें ना ये फोन में क्या क्या खाने वाला देखती है और फिर रोती है, बोलती है आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम, आइसक्रीम देखती है ना, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कैंडी खा रहा है, कोई टॉफी खा रहा है, तो वो देख के रोती है, फिर उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। ये खाओ, ये घर का खाना खाओ, ये खाओ खाओ ये खाओ मानसी, हाँ आंटी खाओ, आंटी खाया, आंटी खाया बोल रही है, ये खाओ मानसी, इसको हाथ में देना पड़ेगा तभी खाएगी, लो खाओ, वो पिज्जा, पिज्जा लो, पिज्जा खाओ, पिज्जा पिज्जा खाओ, आंटी खाया, आंटी खाने दो, तुम भी खाओ। तो हम लोग ना मानसी को पिज्जा बोल के आटा में, आटा होता ना, आटा में अंडा घोल के और थोड़ा नमक डाल के, हल्दी वल्दी डाल के वो खिला देते, और वो पिज्जा सोच के खा भी लेती है मानसी। मानसी पिज्जा खाओ, पिज्जा पिज्जा खाओ, ये लो पिज्जा,
हाँ कार्टून ये पिज्जा लो पहले पिज्जा खाओ खाओ ना पिज्जा मानसी मानसी पिज्जा पिज्जा नहीं खाएगी चलो कोई बात नहीं तुम देखते रहो तेल हो चुका है गरम अब इस गंगा का क्या डालेगी पहले देखते हैं पहले क्या डालोगे प्याज फिर तो प्याज टमाटर प्याज जब लाल हो जाएगा फिर थोड़ा टमाटर डालेगी तो टमाटर जब गल जाएगा उसके बाद में मसाले डालेगी और मसाला जब तेल छोड़ने लगेगा ना जब मसाला तेल छोड़ने लगता है इसका मतलब मसाला पक चुका है और उसके बाद में फिर वो बूंगा डाल देगी यानी केले के फूल और फिर उसको अच्छे से पकाएगी और उसके उसके बाद में हम लोग खाएंगे तो सारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा बस अब डायरेक्ट रिकॉर्ड करूँगा खाने के टाइम में ओके कैसा बनाए आपको बताएंगे और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा केले के फूल बहुत अच्छा होता है और उसमें पोटेशियम मैग्नीशियम और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं तो आ चुके हैं हम इस ब्लॉग के अंत में तो पक चुका है गंगा ने अच्छे से बनाया है एक बार आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये है बूंगा सूखा सूखा टाइप का होता है ये और साथ में प्याज और मिर्ची और अभी ये यहाँ पर रोटी है अभी खा के एक बार मानसी नो खा के एक बार बताते हैं कैसा हुआ प्रार्थना करते हैं पहले धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर तबला धन्यवाद छ प्रभु सधैँ यसरी मिठो खाना खान पाउने खाना खाएर शक्ति तगत बल र बुद्धि दिनुहोस् अझै तपाईँको राम्रो छोराछोरीबाट जीवन एउटा पवित्र जीवन उद्धारकर्ता प्रभु यसको नाममा प्रार्थना गर्दै धन्यवाद चढाउँछु आमेन तो लेट्स रोटी के साथ खाते हैं इसे थोड़ा सा लेते हैं अच्छा बना प्याज मिर्ची अच्छा बनाया गंगा वेरी गुड गंगा वेरी गुड खाली देख रही है कुछ नहीं बोल रही तो मानसी हल्ला कर रही है बहुत ये देखो मानसी को दिखाता हूँ तो मानसी ने खाना खा लिया है और गंगा भी यहाँ पर कढ़ाई में खाना खा रही है शर्म लग रहा है कढ़ाई में इसको शर्म लग रहा है बोल रही मत खींचो कढ़ाई में खाना खा रही है उसको कढ़ाई में खाना बहुत अच्छा लगता है ना गंगा खाओ खाओ मत शर्माओ तो फटाफट खाना खाते हैं और इस वीडियो का अंत करते हैं बेसिकली ये नॉर्मल एक वीडियो है आज का ओके आप लोग भी जाइए खाना खाइए मिलते हैं अगले वीडियो में जय मसीह की अच्छा बनाए